राष्ट्रपति चुनाव में उत्तर प्रदेश का विपक्ष बिखर गया है। विपक्षी पार्टियों में शामिल सपा गठबंधन की सुभाषपा के ओपी राजभर, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव समेत जनसत्ता दल के राजा भैया और बसपा से उमाशंकर सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वो एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देंगे। अभी हमें मुख्यमंत्री जी ने कल निमंत्रण दिया तो मैं गया और हमारी भेंट द्रौपदी मुर्मू से हुई। तो अब हमने तय कर लिया है कि हम वोट द्रौपदी मुर्मू को देंगे। आज की भारतीय जो परिस्थितियां हैं उसमें द्रौपदी मुर्मू जी का प्रत्याशी बनाया जाना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के साथ जो दल नहीं है वो भी समर्थन कर रहे हैं आदरणीय। शुक्रवार को एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू लखनऊ पहुंची थी। द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में सीएम आवास पर डिनर था। योगी की इस डिनर पार्टी में ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव भी शामिल हुए। इसके अलावा जनसत्ता दल के राजा भैया और बसपा विधायक उमाशंकर सिंह भी मौजूद थे, लेकिन राजभर और शिवपाल के शामिल होने से अखिलेश यादव और राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के कैंडिडेट यशवंत सिन्हा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा, जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के साथ ही केशव देव मौर्य के महान दल और शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था। हालांकि चुनावी नतीजे के करीब 100 दिन बाद ही ये गठबंधन बिखर गया। महान दल के केशव देव मौर्य पहले ही साथ छोड़ चुके थे। शुक्रवार को ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल भी भाजपा के खेमे में खड़े नजर आए, जबकि इससे पहले भी अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बैठक बुलाई थी, लेकिन ना तो शिवपाल वहां नजर आए और ना ही राजभर। इसका जवाब भी खुद ओपी राजभर ने मऊ में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में दे दिया। आपका आरोप है कि शिवपाल चाचा का ही वोट दिलवा के दिखा दे, क्या कुछ लग रहा है क्या गड़बड़? शिवपाल चाचा से भी मैंने बात किया था कि आप क्यों नहीं आए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बुलाया ही नहीं गया तो मैं क्या जाऊँ। हमने पूछा कि राष्ट्रपति चुनाव में कहें जब हमारे वोट की जरूरत नहीं है, जो नियुक्ता देगा वहाँ जाएंगे। दरअसल आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद से ही ओपी राजभर का अखिलेश पर वार और पलटवार का खेल जारी है। राजभर ने हार का सीधा ठीकरा अखिलेश यादव पर फोड़ा था, जिसके बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि उन्हें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, जिसके बाद एक बार फिर से ओपी राजभर उन पर हमलावर होते नजर आए। आजमगढ़ चुनाव में आप लोग डटे रहे, आपका कमांडर गायब था, ऐसा आरोप है आपका। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का कमांडर डटा था, समाजवादी पार्टी का कमांडर गायब था ये आरोप ऐसी आनंद ले रहे थे क्या? अरे बिल्कुल, क्या कर रहे थे, मजे नहीं ले रहे थे। द्रौपदी मुर्मू को भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी और अपना दल के साथ ही जनसत्ता दल के अध्यक्ष राजा भैया का भी समर्थन मिला। बसपा की मुखिया मायावती ने पहले ही मुर्मू को समर्थन का वादा किया था, लिहाजा बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह भी समर्थन के लिए डिनर पार्टी में शामिल हुए।